क्लास थ्री, कैसे हो आप लोग? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आज हम चैप्टर थ्री 1 और 11 का व्याकरण बोध करेंगे। देखिए पेज नंबर 24 लिखा हुआ है, व्याकरण बोध है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है मैचिंग, मिलान करो, है ना। तो आप लाइन खींच के मैचिंग नहीं करेंगे, आप लाइन ऐसे ऐसे लाइन खींच के मैचिंग नहीं करोगे। ऐसे खींच दिया, ऐसे खींच दिया, ऐसे मैचिंग नहीं करोगे। जिस तरह से मैं लिख रही हूँ बुक में ही, जो फर्स्ट रो में शब्द है उसके पास जो सही शब्द है सेकेंड रो का, उसको लिखोगे। जैसे मैं लिख रही हूँ बिल्कुल वैसे ही लिखोगे। पहला शब्द है घना, क्या होगा? जंगल। दूसरा शब्द है प्यारे, कौन है प्यारे? बच्चे, आप लोग प्यारे प्यारे हो, प्यारे बच्चे। कौन था क्रूर? इस पार्ट में क्रूर कौन था? हाथी, क्रूर हाथी। भर्राया स्वर किसका था? भर्राया, भर्राया क्या होता है? स्वर। और नुकीली, क्या है नुकीली? नुकीली का सही शब्द क्या होगा? चोंच, नुकीली चोंच। चलिए बच्चों लिख लिया आप लोगों ने, क्या है? घना जंगल, प्यारे बच्चे, क्रूर हाथी, भर्राया स्वर और नुकीली चोंच। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ख क्या है? बच्चों अपने बुक में लिखेंगे आप, हाँ इसको ना आप बुक में लिखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ख है लिंग बदलो। ख क्या है? लिंग बदलो। पहला आपके लिए किया हुआ है हाथी हथनी करके दिया हुआ है। नंबर टू देखिए, भौरा, भौरा का क्या होगा? भ्रमर, भौरा का भ्रमर। नेक्स्ट कठफोड़वा, कठफोड़बी। बेटा मैं आंसर आंसर लिख रही हूं, आप देखकर इसको उतारना। क्वेश्चन नहीं लिख रही मैं, मूल शब्द नहीं लिख रही मैं, केवल आंसर लिख रही हूं। कटफोड़ बी, अच्छा मेढक, मेढकी। और शेर, क्या होगा शेर का? सबको पता है शेरनी, शेर शेरनी। चलिए नेक्स्ट देखिए, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। तो इस नेक्स्ट वाले में क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक करके लिखा हुआ है सारे शब्दों का, आपको उनके सही स्पेलिंग लिखने हैं। चलिए मैं इसको मिटाती हूं। नेक्स्ट देखिए, ग में क्या है? ग में क्या है देखिए, दिए गए शब्दों के शुद्ध रूप लिखिए। पहला वाला क्या है? पहला वाला है चिड़िया। दूसरा वाला शब्द है
घोसला। तीसरा वाला शब्द क्या है? कृतज्ञता। कौन कृतज्ञ था? किसने कृतज्ञता जताई थी? चिड़िया ने। चिड़िया ने कठफोड़वी, भंवर मतलब कठफोड़वी, भौंरा और मेंढक इन तीनों के प्रति कृतज्ञता जताई थी। नेक्स्ट चौथा शब्द है आजीवन। क्या बोला था चिड़िया ने? मैं आजीवन तुम लोगों की आभारी रहूंगी, है कि नहीं? नेक्स्ट है शक्तियां। नेक्स्ट है शक्तियां। बच्चों एक बहुत जरूरी बात बतानी है आपको। आप जब ये काम अपने बुक में करके मुझे चेकिंग के लिए दोगे तो उसमें मेरा नाम सब्जेक्ट के साथ, अपने क्लास के साथ मेरा नाम जरूर मेंशन करना, ताकि मैं आपकी कॉपी चेक कर सकूं, आपका काम चेक कर सकूं, आपकी किताब चेक कर सकूं। ये काम जो आज मैंने करवाया है वो आप अपने किताब में करोगे, और यही चीज आप जब लोड करोगे मेल में तो मेरा नाम लिख के फिर लोड करना, ठीक है? ताकि वो सीधा मेरे पास है और मैं आसानी से चेक कर सकूं। धन्यवाद बच्चों।